और इस नए पथ पर सफर का नाम है युवा जागृति संस्थान। राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर इलाके से इस सफर की शुरुआत हुई, जिसने पिछले 20 सालों में अपनी ऐसी पहचान बनाई जो यहाँ के निवासियों के जीवन को नया आयाम दे रही है। वो नौजवान जिन्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी थी, उन्होंने अपने ही साथ अपने समाज को, अपने समुदाय को एक नए रास्ते पर ले जाने का फैसला किया। युवा जागृति संस्थान वो संस्था जो प्रकाश की एक ऐसी किरण की तरह जागृत हुई, जिसने आने वाले समय में राजस्थान के जिले में अनगिनत जिंदगियों को प्रकाशमय कर दिया। युवा जागृति संस्थान ने अपना काम शुरू करने के लिए ग्रामीण समुदाय के साथ जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। इसमें महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागरण के कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों और आजीविका के लिए कौशल विकास जैसे विषयों पर कार्य शुरू किया गया। युवा जागृति संस्थान ने अपने हर कार्य में महिलाओं को वरीयता दी है। मेरा सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है, मैं कोथलगांव की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ LEDP की 7 दिन की ट्रेनिंग ली है। मैंने यहाँ गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश, धूप, दीपक, गणेश जी ये बनाना सीखा है। मैं नाबार्ड और UGIS को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है, मैं ग्राम दौलत सिंह ढाणी की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे 7 दिन की LEDP के तहत नाबार्ड से जो LEDP की जो ट्रेनिंग चली है, उसमें मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग ली है। उसमें गोधन की, जैसे अपने गाय का गोबर है वो वेस्ट जाता है, तो उसे अपने क्या करते हैं, उनको रूढ़ी में डाल के खेतों में डाल देते हैं। तो हमने उस चीज़ को यूज़ में लिया है, गाय के गोबर को हमने उससे दीपक बनाना सीखा है, गणेश लक्ष्मी बनाना सीखा है और उससे धूप बनाना सीखा है। तो इससे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाए हैं जो कि भविष्य में बहुत अच्छा इनकम देने वाले हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी नाबार्ड और युवा जागृति संस्था को। धन्यवाद युवा जागृति, धन्यवाद नाबार्ड।